संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय स्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे, प्यारी चीज को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। आप देखेंगे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ रखते ही है, तो आपके बच्चे में से एक बच्चा फॉरेन में है, लेकिन आपके सामने जब ऐसा कुछ होता है तो वो बच्चा आपको याद आता है। वो होता तो बहुत अच्छा होता, क्यों? क्योंकि उस बच्चे से आपका प्यार है। तो प्यार वाली चीज जो है वो याद करनी नहीं पड़ती है, लेकिन आती। तो सबसे प्यारे में प्यारा कौन? बोलो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में ही कितनी खुशी हो जाती है। तो अपने दिनचर्या को हमेशा सेट रखो, और भले कोई काम भी होता है, कोई एसेंशियल काम हो जाता है, तो वो काम पूरा करके भी अपना नियम शिव बाबा को याद करने का 2 मिनट निकाल। हो सकता है जहां कोई असंभव बात हो गई, वो तो बात कभी कभी होती है, तो दिनचर्या जितनी अपनी ठीक रखेंगे ना। और बाबा ने तो काम होमवर्क ऐसे देता है जो मन बिजी रहे। मन फ्री होता है ना तो बातों में जाता है, बिजी होता है तो और बातों की तरफ जाता नहीं। जो बाबा ने लास्ट होमवर्क दिया, हर घंटे में 5 मिनट पांच अपने स्वरूप स्मृति में लाओ। कोई जल्दी भी कर सकती है, 5 स्वरूप की स्मृति करने में कोई 5 मिनट लगाता है, कोई 5 सेकंड भी लगाता है, लेकिन हर घंटे का नियम अगर आप पालन करो तो आपका रात्रि को चार्ट चेक करेंगे कितना अच्छा होगा। जानबूझ के बाबा होमवर्क देता है, क्योंकि 63 जन्म विस्मृति में रहे हैं ना, तो विस्मृति की आदत ज्यादा हो गई। अब इस छोटे जन्म में स्मृति स्वरूप बनना, तो अपने नियम बनाने पड़ेंगे ना, जहां कायदा वहां फायदा। तो ये लाइफ
इतनी प्यारी लगेंगी, क्योंकि बाबा बाबा याद आएगा ना। और बाबा है कौन? कृपालु, दयालु, वरदानी, क्या है बाबा? तो उस स्मृति से चलते चलो। अरे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा।